हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आज का वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 में होने वाले सभी मैचेस के बारे में, यानी कि इन सारे मैचेस के अभी क्या फ्रेश स्पॉयलर्स निकल के आई है और कौन कौन से मैच रूमर्स किए गए हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एक छोटी सी हाईलाइट्स प्रीव्यू देख लेंगे बिफोर क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ग्रैंड वेलकम, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, WWE फाइनली ऑफिशियली एडवर्टाइज कर देती है पे बैक 2020 में ही कि इस साल का क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 हमें सितंबर में देखने को मिलेगा। अगर आपको गाइस पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऊपर मैंने आई कार्ड में उस वीडियो का लिंक दे दिया है जहां पे मैंने आपको बताया है कि डेट एंड टाइम क्या होने वाली है इंडिया को और कब और कैसे आप इसे लाइव देख सकते हो इंडिया में। और गाइस, फर्स्ट मैच और ये मैच हमें क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 में देखने को मिलेगा और ये मैच ऑफिशियली भी एडवर्टाइज हो चुका है और ये मैच हमें देखने को मिलेगा फॉर द WWE चैंपियनशिप ड्रू मैकइंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच में। गाइस, आपको पता होगा कि जो इस वीक का हमें मंडे नाइट रॉ देखने को मिलता है वहाँ पे नंबर वन कंटेंडरशिप का मैच देखने को मिलता है, यानी कि ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलता है, कीथ ली वर्सेस मंडे नाइट मसाया वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच में। गाइज, इस मैच को और कहीं बल्कि रैंडी ऑर्टन जीत जाते हैं और वो एक अपॉर्चुनिटी को ऑन करते हैं और फाइनली ऑफिशियली एडवर्टाइज हो चुका है कि रैंडी ऑर्टन वर्सेस ड्रू मैकइंटायर का हमें मैच देखने को मिलेगा एट क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020। तो गाइज, बैक स्टेज ये रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि जो समर स्लैम 2020 में रैंडी ऑर्टन का जो सपना था वो पूरा नहीं हो पाया था, तो ऐसा हो सकता है कि वो क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 में पूरा हो जाएगा। और गाइज, ऐसा होगा कि करियर में 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे रैंडी ऑर्टन और फाइनली वो क्लैश ऑफ चैंपियंस की पेपर व्यू होगा जहां पे ड्रू मैकइंटायर का चैंपियनशिप का एरा जो है वो एंड हो जाएगा। और गाइस, सेकंड मैच हमें देखने को मिलेगा फॉर द वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप सेना बिजलर एंड नया जैक्स वर्सेस रायट स्क्वाड के बीच में। गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नंबर वन कंटेंडरशिप का मैच हमें देखने को मिलता है WWE चैंपियनशिप के लिए, तो गाइस इस चैंपियनशिप के लिए मैच के लिए भी हमें एक नंबर वन कंटेंडरशिप मैच देखने को मिलता है दी आइकॉनिक्स वर्सेस रायट स्क्वाड के बीच में। इस मैच को और कहीं बल्कि रायट स्क्वाड जीत जाती हैं और गाइस ऑफिशियली एडवर्टाइज हो चुकी है कि हमें सेना बिजलर एंड नया जैक्स वर्सेस रायट स्क्वाड का मैच देखने को मिलेगा फॉर द वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप। तो जैसा ही गाइस आपको पता हो कि पे बैक 2020 में हमारे न्यू वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस देखने को मिली है, तो गाइस ऐसा हो सकता है कि क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 में वो रिटेन कर लेंगी अपना वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप को और गाइस ऐसा होगा कि रेड स्क्वाड को एक हार मिलेगा क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 में। और गाइस, थर्ड मैच और ये मैच हमें देखने को मिलेगा डिटरमाइन हु इज द रियल इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। गाइस, आपको पता होगा कि अभी से कुछ दिन पहले WWE ऑफिशियली एडवर्टाइज करती है कि जो सेमी जेन है वो अपना इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को रिलिंक्विश करते हैं। और गाइस, उसके बाद होता क्या है, हमें टूर्नामेंट भी देखने को मिलता है, टूर्नामेंट को और का नहीं बल्कि ऐसा होता है कि एजे स्टाइल जीतते हैं। और गाइस, होता क्या है, एजे स्टाइल से फिर जेफ हार्डी हमारे न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन चुके हैं। और जो इस वीक का हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन देखने को मिलता है, हमें क्या देखने को मिलता है कि सेमी जेन अपना रिटर्न करते हैं और वो जेफ हार्डी पे अटैक करते हैं और वो अपना वही चैंपियनशिप को दोबारा लेके आते हैं जो कि वो रिलिंक्विश नहीं किए थे, क्योंकि गाइस आपको पता होगा कि WWE ऑफिशियली एडवर्टाइज करती है कि वो अपना चैंपियनशिप को रिलिंक्विश कर चुके हैं लेकिन वो खुद ऑफिशियली एडवर्टाइज नहीं करते हैं। तो गाइस, ऐसा हो सकता है कि रियल चैंपियन कौन है क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 में हमें मैच देखने को मिल सकता है, यानी कि सेमी जेन वर्सेस जेफ हार्डी के बीच में। और गाइस, ऐसा होगा कि इस मैच को और नहीं बल्कि जेफ हार्डी जीत जाएंगे और वो हमारे फाइनली रियल इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनेंगे एट क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 में। और गाइस, नेक्स्ट मैच और ये मैच हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन से देखने को मिलेगा फॉर द स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप बेली वर्सेस साशा बैंक के बीच में। गाइस, आपको पता होगा कि जितने भी WWE के यूनिवर्स हैं वो लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि जो इनका फ्रेंडशिप है वो एंड हो जाएगा रेसलमेनिया 36 में, लेकिन गाइस ऐसा नहीं होता है। WWE का कितना मेजर पीपीवी बीत चुका है, यानी कि रेसलमेनिया बीत चुका है, समर स्लैम बीत चुका है, लेकिन इनका अभी तक फ्रेंडशिप एंड नहीं हुआ है, लेकिन गाइस ऐसा नजर आ रहा है कि इनका फ्रेंडशिप अब एंड होने वाला है क्लैश ऑफ चैंपियंस में। तो गाइस, ऐसा होगा कि क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 में फॉर द स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप साशा बैंक वर्सेस बेली का मैच हमें देखने को मिलेगा। और गाइस, ऐसा हो सकता है कि इस मैच को और नहीं बल्कि फाइनली कितने दिन के बाद ऐसा होगा कि साशा बैंक हमारे न्यू स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बनेंगी। और गाइस, ऐसा होगा कि जो बेली का हमें कितने दिन तक स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप का रन देखने को मिल रहा था वो फाइनली क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 में टूट जाएगा।
गाइज नेक्स्ट मैच, और ये मैच हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन से देखने को मिलेगा फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप फिंड वर्सेस रोमन रेंज के बीच में। गाइज आपको पता होगा कि ट्रिपल थ्रेट मैच हमें पे बैक 2020 में देखने को मिलता है, और ये मैच हमें मेन इवेंट में देखने को मिलता है इस पे पर व्यू में। और गाइज आपको पता होगा कि हिल रोमन रेंज हमारे न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बनते हैं, वो क्या करते हैं कि फिंड को पिन नहीं करते हैं बल्कि वो ब्रॉन स्ट्रोमैन को पिन करके हमारे न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बनते हैं। तो गाइज ऐसा हो सकता है कि जो इस वीक का हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन देखने को मिलेगा वहां पे फिंड चैलेंज कर देंगे रोमन रेंज को फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप एट क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020। और गाइस ऐसा हुआ कि ये मैच हमें क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 में देखने को मिलेगा, यानी कि फिंड वर्सेस रोमन रेंज के बीच में। और गाइस ऐसा हुआ कि इस मैच को और नहीं बल्कि ऐसा हो सकता है कि हील रोमन रेंज जीत जाएंगे और वो रिटेन कर लेंगे अपने यूनिवर्सल चैंपियनशिप को। वेल गाइस अगर आप मेरे चैनल पे एक्टिव व्यूअर्स होंगे तो अभी से कुछ दिन पहले मैंने एक कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट किया था जहां पे मैंने आपको दिखाया, तो वहां पे शो हो रहा था कि बैकस्टेज ये रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि रेसलमेनिया 37 तक वो अपने कंधे को पे चैंपियनशिप को रखने वाले हैं, यानी कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप उनके रेसलमेनिया 37 तक रहने वाला है। तो गाइस ऐसा हो सकता है कि वो ट्रेलर हमें क्लैश ऑफ चैंपियंस में ही देखने को मिल जाएगा। और गाइस ऐसा हुआ कि इस मैच को और नहीं बल्कि रोमन रेंज जीत जाएंगे और वो रिटेन कर लेंगे अपना यूनिवर्सल चैंपियनशिप को। तो गाइस काफ़ी मैचेज हैं जो कि हमें इस बार क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 में देखने को मिलेगा, यानी कि जितने भी चैंपियनशिप है सारे ऑन दी लाइन जाने वाला है। लेकिन गाइस कुछ यही रूमर्स मैच निकल के आए थे जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। होप करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्प करेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फाइनली बाय फ्रेंड्स।